और भाई ये देखो टिल्ट करते हुए चलेंगे। ब्रेजा ने ओवरटेक करा स्कूटी को और यहाँ ब्रेक लगाया, क्लच दबाया, क्योंकि स्पीड कम करनी पड़ी थी भाई। बैरियर था साइड में, कर्व वाली रोड पे ऐसे ही चलते हैं। और ये देखो ऐसी रोड पे ना ड्राइव करने में बड़ी मजा आती है, ऐसे टिल्ट करो स्टेयरिंग तो भाई कितनी मजा आती है, कितना अच्छा लगता है। ब्रेक लगाया, यहाँ से टर्न मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर दे दिया, टर्न लूंगा। ये देखो भाई कंट्रोल वे में, और क्लच भी दबा लिया यहाँ, क्योंकि गाड़ी ना वाइब्रेट कर रही थी, अगर क्लच ना दबाता तो भाई गाड़ी झटके खा के बंद हो जाता। सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित, पेश आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस आज की जो हमारी ड्राइविंग, ये देखिए अभी हम गंगा बैराज वाली रोड पे खड़े हुए हैं, सामने हमारे जो है अटल घाट दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से हम चलते हुए जाएंगे, पूरा सिटी में ड्राइव करते हुए सिटी में जाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हमें जो है सिटी में ड्राइव करना है, ट्रैफिक में हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फुट मूवमेंट्स कैसे कंट्रोल करेंगे, अच्छी तरह से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, ताकि आपकी ड्राइविंग जो है इम्प्रूव हो सके। सो गाइस वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। तो भाई शुरू करते हैं इस रोड से अपनी ड्राइविंग और चलते हैं पूरा सिटी की तरफ। देखिए फर्स्ट गियर लगाया है, गाड़ी जो हमने अपनी साइड में लगा रखी थी, तो अब जैसे ही राइट साइड मूव होंगे देख लेंगे कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, पोलो आ रही है, पोलो निकल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये देखिए गाड़ी हमने निकाल दी, उठा दी। तो अब यहां से स्पीड करेंगे, आगे हमें दिख रहा है अटल घाट। तो भाई धूप जो है बहुत ज्यादा तेज है और आज संडे है तो ट्रैफिक शायद में भी उतना नहीं मिलना चाहिए। ये देखो आगे किया कार्निवल जा रही है भाई, गाड़ी बहुत मस्त है। तो अभी ये देखो कर्व वाली रोड पे ऐसे ही चलते हैं, और ये देखो ऐसी रोड पे ना ड्राइव करने में बड़ी मजा आती है, ऐसे टिल्ट करो स्टेयरिंग तो भाई कितनी मजा आती है, कितना अच्छा लगता है। बिगनर्स डरते हैं कि भाई गाड़ी थोड़ी इधर उधर ना भाग जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल वे में करो आप, स्टेयरिंग अच्छे से कंट्रोल करो, हल्का सा टिल्ट करो, बस ज्यादा टिल्ट करने की जरूरत नहीं, हल्का सा टिल्ट करोगे गाड़ी आपकी कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे क्लच पे कोई भी बर्डन नहीं डालना है, क्लच पे फुट नहीं रखा है, सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल करते हैं और फिर एक्सेलरेशन दे देते हैं। गियर जो हमारा वो सेकंड गियर पे है भी गाड़ी। तो ये देखो भाई यहाँ पे गए एक्सेलरेशन करा, थर्ड गियर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है रोड थोड़ा पतला हो जाता है, डिवाइडेशन भी है नहीं, तो केयरफुली चलाएंगे, ठीक है, डरेंगे नहीं, बस आराम से अपनी लेन पे रखेंगे। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया है, धीरे धीरे इधर ही से ऐसे, और भाई ये देखो टिल्ट करते हुए चलेंगे। ब्रेजा ने ओवरटेक करा स्कूटी को और यहाँ ब्रेक लगाया, क्लच दबाया, क्योंकि स्पीड कम करनी पड़ी थी भाई, बैरियर था साइड में। तो अब देखो फिर गाड़ी जो हमारी थर्ड गियर पे ही उठ गई है, आराम से ड्राइव करूंगा, हॉर्न करूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट टाइप क्रिएट हो रहा, आगे से आने वाली गाड़ियाँ दिख नहीं रही थी कि ये आई ना अचानक से, इसलिए मैंने हॉर्न करा था। स्कूटी ओवरटेक करी है, अपनी लेन पे आ जाएंगे वापस से, लेफ्ट साइड टिपर देंगे कि भाई पोलो अभी ना निकले, और ये स्पीड कम हो गई, क्लच दबाया, सेकेंड गियर लगाया था, फिर से क्लच रिलीज कर दिया यहाँ से, देख रहे हो आप। ये सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी होती हैं, तो इस वजह से लग सकता है आपको कि भाई मैं जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो टास्क इतनी जल्दी परफॉर्म हो रहे हैं कि भाई उसको जल्दी बोलना जरूरी है। आप चाहे तो उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तो भाई यहाँ से स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हुए थर्ड गियर लगाएंगे और आराम से ड्राइव करेंगे भाई, स्टेयरिंग पे कंट्रोल करा। अब देखिए ट्रैफिक जहाँ ज्यादा नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्लच पे देखिए आराम से ही उसे छोड़ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे जो है आपको सिटी में भी माइलेज अच्छा मिल सकता है। आप जितना ज्यादा क्लच ब्रेक यूज करोगे उतना ज्यादा माइलेज जो है डिक्रीज होगा। तो कोशिश करो कि भाई अगर आगे भी गाड़ी चल रही है ना तो उसकी स्पीड मेंटेन करके ही चलो, कि भाई डिस्टेंस मेंटेन रहे और स्पीड चलती रहे, बार बार ये नहीं कि बार बार उसके पास पहुंच गए गाड़ी के पास, फिर ब्रेक लगा रहे हैं, फिर भाई स्लो करनी पड़ी, फिर पीछे हो गए, फिर वहां से बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन दे रहे हैं, क्लच तुरंत रिलीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पिकअप उठा रहे हैं, तो उससे जो है गाड़ी का माइलेज डिक्रीज होता है। जितना आप स्मूथ रनिंग करोगे कार को उतना ज्यादा आपका माइलेज बढ़ेगा। तो अभी देखिए आगे जा रही है स्विफ्ट, इसे हॉर्न करते हैं और भाई ये निकाली मैंने राइट साइड से, थर्ड गियर लगाया और इस तरह से आगे निकाल लिया। आगे जो है चौराहा आ रहा है, यहाँ पे पहले से ही थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे, देखेंगे इधर उधर, हॉर्न करेंगे और आराम से निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन से पैर जो उठा लिया मैंने, एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, अब एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। जहाँ लगेगा कि हाँ थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे चौराहा है स्लो डाउन करना है, एक्सेलरेशन के ऊपर से फुट हटा लिया, ब्रेक लगाया, यहाँ से टर्न मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर दे दिया, टर्न लूंगा। ये देखो भाई कंट्रोल वे में, और क्लच भी दबा लिया यहाँ, क्योंकि गाड़ी ना वाइब्रेट कर रही थी, अगर क्लच ना दबाता तो भाई गाड़ी झटके खा के बंद हो जाती, इसलिए जब स्पीड बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी तब वहां पे हमें क्लच दबाना ही दबाना पड़ेगा, क्लच प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हमारी गाड़ी जो है कंट्रोल में आ जाए और हम गियर एक डाउन करके फिर वहां से गाड़ी आराम से उठा सकते हैं। ये देखो भाई घंटे आ गए, गाड़ी की स्पीड भी डाउन होगी ना, तो इसलिए क्लच दबा के गियर कम कर दिया। अब यहाँ से फिर उठाएंगे,
थर्ड गियर लगाएंगे और क्लच रिलीज कर देंगे। अब देखिए जब हम फर्स्ट गियर पे उठाते हैं ना गाड़ी, तो हमें ज्यादा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्लच आराम आराम से रिलीज करना पड़ता है ताकि हमारी गाड़ी बढ़ने लगे और बंद ना हो। उसके बाद जैसे ही हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती ना, फिर सेकंड थर्ड गियर पे हम आराम से क्लच तुरंत छोड़ सकते हैं। जैसे ही गियर लगाएंगे उसके बाद तुरंत क्लच रिलीज कर देंगे, भाई प्रॉब्लम नहीं होगी आराम से। और ये देखो भाई, इसको थोड़ा ये किनारे जाते हुए गए, और ये देखो ब्लाइंड टर्न टाइप का है, तो यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर रखते हुए जाएंगे और फिर इधर आ गए। अब यहाँ से फिर से हमें राइट साइड टर्न लेना है, क्लच दबाया, सेकंड गियर लगा दिया है, स्मूथली धीरे धीरे भाई टर्न लेंगे। ये देखो सामने वॉक्स वैगन बेंटो, न्यू कार थी भाई बिल्कुल। यहाँ से फिर से लेफ्ट साइड टर्न, देख रहे हो आप कितने ज़्यादा टर्न लेने पड़ रहे हैं। ये देखो भाई आराम से टर्न लिया सेकेंड गियर पे, थे क्लच भी नहीं दबाया, स्पीड इतनी थी नॉर्मली कि हाँ ठीक है आराम से टर्न ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से टर्न ले लेंगे भाई। ट्रैफिक उतना आज दिख नहीं रहा है, संडे है तो इस वजह से अभी उतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा, और भाई दिन का टाइम है 12:12 हो रहा है भाई। धूप इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि भाई इसकी हद नहीं है। और ये देखो यहाँ से एक्सीलरेशन करा, थर्ड गियर लगाया, फिर से जो है लेफ्ट साइड टर्न लेना है, तो चौराहे पे आते आते जो है हमने एक्सीलरेशन से अपना फुट पीछे हटाया ताकि कंट्रोल्ड हो जाए, ब्रेक लगाया हल्का सा, क्लच दबाया, सेकेंड गियर लगाया, फिर से यहाँ से क्लच रिलीज करा और टर्न ले लिया। ठीक है, टर्न पे देखिए बहुत ज़्यादा टास्क आपको परफॉर्म करने रहते हैं कि पहले मैंने क्या करा, स्पीड कम करी, उसके बाद क्लच दबाया, सेकेंड गियर लगाया, फिर टर्न पे ही जैसे टर्न ले रहे हैं, स्टेयरिंग रोटेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अपना क्लच भी रिलीज करेंगे ताकि गाड़ी हमारी उठती चली जाए और कोई दिक्कत ना हो, गाड़ी टर्न भी आराम से ले ले, क्योंकि बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये आती है जो हमारे बिगनर है, जैसे ही हम टर्न लेते हैं भाई गाड़ी हमारी झटके खा के बंद हो जाती है। तो वो क्यों बंद हो जाती है कि भाई हमारा ध्यान जो है टर्न पे रहता है, स्टेयरिंग पे रहता है, हम क्लच दबाना और गियर अप या डाउन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड कम होती है और गलत गियर में गाड़ी होने की वजह से गाड़ी झटके खा के बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो है हमें गियर डाउन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन करेंगे, और भाई रोड इतनी खाली मिल रही है ना कि आज चलाने में बड़ी मजा आ रही है यार। संडे को वैसे तो निकलना होता नहीं है, लेकिन वीडियोस क्रिएट करने तो भाई मैं निकला और ट्रैफिक उतना नहीं मिल रहा है, तो भाई कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से ना बड़ा अच्छा लगता है भाई, जब अंदर से बड़ा अच्छा लगता है जब ट्रैफिक नहीं मिलता, स्मूथ ड्राइविंग होती है, मतलब थोड़ी ब्रेन को ना शांति मिलती है भाई। अभी यहीं पर ट्रैफिक हो ना, बार बार इधर उधर रुको और मतलब इरिटेशन होने लगती है ड्राइविंग में। अगर आपको भी होती है ना तो भाई कॉमेंट में बताना जरूर, वैसे तो होती जरूर होगी भाई, कोई भी हो ट्रैफिक अगर मिलता है ना तो भाई हम भी पक जाते हैं, और मैनुअल गाड़ी में ना और ज़्यादा सर दर्द होने लगता है कि बार बार गियर अप करना है, डाउन करना है, क्लच दबाओ, ये करो वो करो, गाड़ी भी हीट ज़्यादा हो रही है क्योंकि भाई गर्मी ऑलरेडी है, एसी भी चल रहा है और ज़्यादा गर्मी है, तो भाई क्लच का मूवमेंट भी ना थोड़ा बदल जाता है। ये तो मैंने चीज़ नोटिस करी है, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है और भाई क्लच प्लेट अगर नहीं सही वर्किंग है या क्लच प्लेट डैमेज हो रही है धीरे धीरे समय के साथ, तो भाई फिर वो सही से वर्क नहीं करती है, आप देखना कभी, गर्मी में और ज़्यादा दिक्कत करती है कार, ये चीज़ होती ही होती है, मैंने बहुत सारी कार्स में नोटिस किया, स्पेशली जो हमारी पुरानी हो गई है भाई। तो ये देखो यहाँ से एक्सेलरेशन करेंगे, थर्ड गियर लगाएंगे और फिर से फोर्थ गियर लगाया है, ऑन करेंगे भाई और आराम से चलेंगे आगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, सही है, आगे से आ रही है भाई रेंज रोवर डिस्कवरी, फिर से थर्ड गियर लगाया है। यहाँ से अपन को जो है लेफ्ट साइड टर्न लेना है, तो देखो थोड़ा ब्लाइंड टर्न टाइप का है, दिखेगा नहीं आपको, ये रोड रही, ठीक है, तो इसलिए भाई देख रहे हो स्कूटी वगैरह भी ना बिल्कुल किधर इस साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा स्लो करके देख के तब टर्न लेना पड़ता है। तो ऐसे टर्न पे आपको भी प्रॉब्लम आती है क्या, कमेंट में ना एक कमेंट कर देना कि हाँ आती है या नहीं आती है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे बिगनर्स होने तो भाई प्रॉब्लम आती होगी, और जो बिगनर्स नहीं भी ना भाई वहाँ स्टॉप करके आपको रोक के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे टर्न्स पे अचानक में मोड़ दोगे ना भाई पक्का कोई ना कोई आके चिपकेगा आगे जरूर कार में। तो भाई ये देखो यहाँ से जो है राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं, टर्न लेते हैं और थोड़ी ही देर में जो है अपन डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। ये देखो टर्न लिया, अब यहाँ से जो है स्ट्रेट चलेंगे, तो भाई ट्रैफिक उतना मिला नहीं, आराम से हमने ड्राइव किया। आज के वीडियो को जो है यहीं तक रखते हैं,
आशा करता हूँ आपको वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारे टिप्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी टाइप के वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।